हेलो दोस्तों, वेलकम टू नर्जिस किचन। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सुबह होते ही सबके सामने एक ही सवाल आएगा कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाएं आज। चलिए कुछ स्पेशल और हेल्दी ट्राई करें। पे 2 कप गेहूं का आटा और 1 कप जो है मैदे को यूज़ किया है, उसके अंदर थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ऑयल डाल के इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको थोड़ा सा पानी को भी ऐड करेंगे, इसे अच्छे से गूंद लेंगे। अब गूंदने के बाद जो है 15 मिनट रेस्ट देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं हमारे, फिर एक बार अच्छे से गूंद लेंगे। जैसे नॉर्मल पराठा बनाते हैं हम, उसी तरीके से बना लेंगे, छोटे छोटे लोई बनाएंगे इसका। अब इसको अच्छे से बेल लेंगे। तवा गर्म हो चुका है, उसके ऊपर पराठे को डाल देंगे, एक तरफ अच्छे से बना देंगे और दूसरी तरफ उलट देंगे। अब इसे ऑयल अप्लाई कर लेंगे, या फिर आप घी भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑयल को इस्तेमाल किया हुआ है। पे पराठे का स्टफिंग के लिए थोड़े वेजिटेबल्स को कट करके रख दिया है। अगर आप चाहें तो आपकी मनपसंद जो भी वेजिटेबल्स है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्याज डाला, कैबेज और कैरेट का इस्तेमाल किया, थोड़ा सा नमक डाल दिया है, कैप्सिकम को भी ऐड कर दिया। हल्के से इसको भून लेना है। के अंदर हम जो है ब्लैक पेपर पाउडर को भी ऐड कर देंगे। पराठा स्टफिंग रेडी हो चुका है, अब हम ऑमलेट की ओर बढ़ेंगे। मैंने यहाँ पे 2 अंडों का इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और जो है थोड़ा सा हल्दी पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो है तवे पे ऑयल डाल लेंगे हम, उसे गर्म होने देंगे। अब हमारा अंडे को इसके अंदर डाल देंगे। एक तरफ बन चुका है, इसे हल्के से उलट लेंगे। अब जो है हमारे पराठे को उसके ऊपर इसे फिट कर देंगे। देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा ऑमलेट पराठा। और इसी तरीके से इसे फिर दूसरी तरफ भी पका लेंगे। चाहे तो इसके ऊपर मायोनीस और टमाटो केचप का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने उसको स्किप कर दिया है। अब मैंने पराठे के अंदर स्टफिंग को डाल दिया है, इसे अच्छे से फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे मैंने ना टूथपिक का इस्तेमाल किया है। देखिए हमारा बहुत ही आसानी तरीके से एग रोल पराठा रेडी हो चुका है। बहुत ही आसान है, आप भी ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।